हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रणजीत सिंह आरएमजी टेक चैनल के ऊपर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यदि हम अपने आपका YouTube चैनल है और आप YouTube चैनल के ऊपर अपने वीडियो पब्लिश करते हो, तो मैंने पहले 2-3 वीडियो डाल रखे हैं। उसमें से एक वीडियो है जीमेल अकाउंट कैसे बनाना है, यूट्यूब चैनल कैसे बनाना है, और एक था कि यूट्यूब के ऊपर वीडियो पब्लिश करने के बाद कौन से काम है जो हमने करने हैं। तो उसमें मैंने डिस्कस किया था कार्ड कैसे डालना है, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है, और वीडियो में टैग कैसे डालने हैं, और एंड स्क्रीन। एक था कि हम थंबनेल कैसे चेंज कर सकते हैं। तो उसमें से एक चीज मैंने उसमें कवर नहीं की थी, वो थी क्लोज कैप्शन। क्लोज कैप्शन या सबटाइटल। अब क्लोज कैप्शन क्या है कि जब हम कोई भी वीडियो पब्लिश करते हैं, जैसे हम हिंदी में वीडियो पब्लिश करते हैं, तो क्लोज कैप्शन डालने का मतलब ये है कि जो हमारी ऑडियंस है, सपोज उसको किसी वजह से साउंड नहीं आ रही, जहां साउंड में थोड़ी सी डिस्टरबेंस है, बैकग्राउंड नॉइज है, तो उस वक्त जो आपने क्लोज कैप्शन डाली है, तो उससे आपके वीडियो में जो ऑडियंस की एंगेजमेंट आ जाए। तो क्लोज कैप्शन है, जैसे मैं हिंदी बोल रहा हूँ तो हिंदी में ही मैंने उसमें क्लोज कैप्शन डाल देनी है। अब बात करेंगे सबटाइटल की। सबटाइटल का ये रहता है कि मैं हिंदी बोल रहा हूँ, अब मेरी जो ऑडियंस है वो उसको हिंदी आती नहीं है, तो उसको एंगेज करने के लिए मैं क्या करूंगा, उसमें सबटाइटल डाल दूंगा कोई भी लैंग्वेज। आपको YouTube स्टूडियो में जितनी भी लगभग लैंग्वेज हैं उसकी ऑप्शन मिलती है, आप कोई भी लैंग्वेज की उसमें सबटाइटल डाल सकते हो। तो ये एक छोटा सा काम है, इसको करने के लिए आपको करना क्या है, YouTube स्टूडियो में जाना है और वीडियो सेक्शन खोलना है, और लेफ्ट साइड पे जो पुल डाउन मेनू है उसको स्क्रॉल करोगे तो सबटाइटल में चले जाना है। सबटाइटल में जाके फिर आपने क्लिक करना है, तो आप यूट्यूब एडिटिंग पेज पे चले जाओगे, वहां पे जाके आप जो क्लोज कैप्शन है डाल सकते हो। उसमें भी आपको 2-3 ऑप्शन मिलती हैं। एक जैसे मैं बोल रहा हूँ उसको आपने ट्रांसक्राइब कर लेना है, उसको 2-3 एप्लीकेशन आती है कि उसको आपने एंड्रॉयड से डाउनलोड कर लेना है। जैसे मैं बोल रहा हूँ साथ साथ में वो अपना टाइप करता रहेगा एप्लीकेशन, तो उससे भी जो आपने बोला है उसको कॉपी करके ट्रांसक्राइब वाले जो ऑप्शन है उसमें आपने पेस्ट कर देना है, तो ऑटोमेटिकली वो यूट्यूब का जो स्टूडियो है उसको जो क्लोज कैप्शन है उसको अलाइन कर देगा उसके हिसाब से। तो ये आपके वीडियो में जो ऑडियंस की एंगेजमेंट है इसको एनहांस करेगा, और वीडियो की जो रैंकिंग है उसको भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। मुझे लग रहा है दोस्तों ये आपके काम की चीज़ है। यदि आप यूट्यूब के ऊपर वीडियो पब्लिश करते हो तो ये एक छोटा सा काम है, आप अपने वीडियो में जरूर कीजिएगा। या ये आप अपने ऑप्शन में जाके, वीडियो के ऑप्शन में जाके कम्युनिटी को भी आप ऑन कर सकते हो। तो यदि थर्ड पार्टी कोई भी आपके वीडियो में कैप्शन डालना चाहता है तो उसको आप अलाउ कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे विद न्यू टॉपिक। तब तक दियो इजाजत, नमस्कार, सत श्री अकाल।